हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो शाम होने वाली है, यानी 5 बजने वाले हैं। अराउंड अराउंड 4:30 हुए हैं। तो ये बनाने हैं आलू, क्योंकि सुबह की जो है वो दाल बची हुई है और सुबह ही खाना खाया था, लंच किया नहीं है। अमित भी नहीं लेके गया था और अमित आने वाला है थोड़ी देर बाद, 5 के बाद ही आएगा, 5:15 के अराउंड। सो उस टाइम तक खाना रेडी कर लूँ मैं, ताकि हम दोनों खा लें। हमें बहुत तेज भूख लगी है, तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए। तो आलू रखे थे, आलू जो है वो मैंने थोड़े से फ्राई किए हैं ताकि आलू की सब्जी बनाई जा सके, सूखी सब्जी। और ये यहाँ पे लग गए थे नीचे, लेकिन क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा था, तो इसलिए उनको मैंने ऐसे गिराया नहीं, ना ही मैंने धोया। इसको इसी के अंदर ही मैं आगे फर्दर सब्जी छौंक रही हूँ। और ये जो है प्याज अच्छे से हो जाए, उसके बाद इसमें हमने डालना है मसाले। मसाले में मैं नमक, हल्दी, मिर्च और ज़्यादा से ज़्यादा धनिया पिसा हुआ डाल देते हैं। उसके अलावा कुछ और डालने की ज़रूरत है नहीं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मसाले जो है ये अच्छे से हो जाएं, जब तक हम टमाटर डालें उससे पहले। तो ये जो है क्या डाल दिया हमने, अब धनिया डाल दिया जो बच गया था, क्योंकि मुझे मिला नहीं था उस टाइम पर, तो मैंने फटाफट ढूंढा कि धनिया तो ज़रूरी है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर, और जो हरी मिर्च में शुरुआत में डालना भूल गई वो भी अभी डाल देते हैं। और ये हरी मिर्च अब डाल रही हूँ, दैट मीन्स ये बहुत तीखा बनने वाला है, ठीक है। तो ये जो है हमारे आलू भी इसमें हमने डाल दिए, टमाटर होते ही और ये रेडी हो गए आलू। अगर धनिया होता तो ये और यम्मी लगता, लेकिन हो गई है हमारी सब्जी रेडी। ये देखिए जी, हमारी आलू की सब्जी आपको साफ नहीं दिख रही क्योंकि अमित की परछाई आ रही है। और ये दाल सुबह वाली, और ये रोटी, और ये अमित, अरे अरे आप तो ये नहीं साफ नहीं, थोड़ा ब्लैकिश आ रहा था, बट अब अच्छे सुंदर लग रहे हो अमित तुम, सुंदर। अच्छा, तो अमित जो है अब जीरे के साथ साथ अजवाइन वाले छोंक वाला आलू टेस्ट करके बताएगा, ट्राई करके बताओ। तुम बताओ आज है या नहीं है, खा के तुम्हें पता चलता है या नहीं पता चलता। दाल तो सुबह वाली औसम है ही। और जब तक अमित टेस्ट करता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कि अभी जो है 5:30 हो गए हैं। अमित अभी अभी आया है और मुझे बहुत भूख लगी थी। अमित ने भी सुबह खाया था, ये दोपहर को लेके भी नहीं गया था। तो अब अमित खाना बताएगा कि इसमें अजवाइन है कि नहीं है। बताओ बताओ, कंफ्यूज आ गए? हाँ, हमें पता था दोस्तों ये कंफ्यूज आ जाएंगे। तुम बताओ एक बार में, अगर किसी दिन अमित बता दे तो दोस्तों, अगर कल बाहर बारिश हो रही हो तो हैरान मत होना, ओ भाई अमित ने एक बार में बता दिया होगा। कमाल ये है कि अगर इसको बता दे कि अजवाइन का लगा है तो ये ऐसे कहेगा मेरे को नहीं खाना। क्या बोला तूने? कमाल ये है कि अगर इसको बता दे कि अजवाइन का लगा है तो ये ऐसे कहेगा मेरे को नहीं खाना। ओ भाई, अगर नहीं बताए तो ये कंफ्यूज आ जाता है। थोड़ी डाल लिया तुमने, डाल लिया ओ भाई। हाँ। इसी के साथ ये साबित होता है दोस्तों कि अमित कभी भी मास्टर शेफ का जज नहीं बन सकता। हमें परमानेंटली हमारा फूड टेस्टर चेंज करके फूड टेस्टर इधर लाना पड़ेगा। तुम्हें इसमें नहीं है अमित, जीरे मैंने जानबूझ के बोला कि कहीं बस अमित बस। अच्छा चलो ठीक है, बोल देती अगर मैं बोलता नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं मैंने सोचा तेरे पास कहीं तुम सच में बता दो कि हाँ थोड़ी सी डाल। अच्छा, कुछ इनको ना दिखाई तुमने। हाँ, कुछ भी अमित। अच्छा चलो ठीक है, हम खाते हैं दोस्तों, बहुत बहुत जोर की भूख लगी है और आपको कल सुबह मिलते हैं। शाम हो गई है दोस्तों, ये अमित है दोस्तों, और मेरे सामने रवीना जी है दोस्तों। हाँ, सबको पता ही है ये अमित है। हम क्या करने आए हैं? घूमने मतलब चलने आए हैं। रवीना को ये हो गया था कि बाहरी दुनिया कैसे दिखती है, रवीना अंदर ही अंदर। तो हम जो है इसलिए थोड़ा घूमने आए हैं, रवीना को मैं आकाश दिखाने लाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है रेली। हो सके तो चंद्रमा और चांद भी दिखाई। चंद्रमा और चांद एक ही बात होती है अमित। तो अगर मैं एक्चुअल दिखाऊं तो ये ऐसा सा दिख रहा है, ठीक है, बिना ब्राइटनेस के अंधेरा सा होता हुआ, और ऐसे वो बोलते हैं ना घुटके आ रहे हैं बादल। आप भी आ जाइए जरा, आप भी आ जाइए। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे साथ रवीना जी बोल रहा था ना, मैंने ऐसे बोला घुटके आ रहे हैं बादल, अमित बोला आप भी आ जाइए जरा, मुझे लगा ये किसको बुला रहा है। कि हम तो हैं ही ना, तो पर ये कैमरा में हम दोनों को बुला रहा था दोस्तों। सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं,
तो इसलिए अमित ने नीचे एंगल कर लिया ताकि कोई आए ना किसी की प्राइवेसी डिस्क्लोज ना हो जाए, भंग ना हो अमित, भंग ना हो। हाँ, जैसे किसने विश्वामित्र की प्राइवेसी भंग की थी। क्या बोला तूने? जैसे किसने विश्वामित्र की प्राइवेसी भंग की थी, प्राइवेसी नहीं सॉरी, वो तो ध्यान भंग किया था कुछ भी मिला नहीं नहीं, तो ऐसे बहुत ऐसे फीलिंग आ रही है, ऐसे बहुत टाइम बाद मैं बाहर निकली हूँ या पता नहीं बहुत टाइम बाद यहाँ आए, बट ऐसे अच्छा अच्छा राहत की सांस लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है, अब जाके काम करेंगे, पर पहले थोड़ी देर बैठेंगे और ये राउंड आधा पूरा, ये रात हो जाएगी, हमें आप लोगों को उसका मेन व्यू दिखाते हैं टेंपल का रात का ना। हाँ, तो अभी अमित तुम ऊपर से लो ताकि तो आप साफ दिखे। देखिए जी, हम कितने अच्छे हैं, लेकिन लोगों की प्राइवेसी भंग ना हो इसलिए हम अपने आप को भी खराब कर रहे हैं। चलिए जी, मिलते हैं आप लोग। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमने मैंने आपको बताया था कि रात हो ही जाएगी और हम आपको रात का माहौल यहाँ पर दिखाते हैं, और तो हम चले भी नहीं दोस्तों, अमित वहीं पर बैठा रहा। रवीना कहना था जहाँ से हम आए वहीं से चलते हैं, क्योंकि इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना है हमें, इसलिए हमने चक्कर नहीं लगाया, दिखाते हैं आपको। चांद लग रहा है, पर है नहीं चांद लग रहा है नहीं, वहाँ कुछ तो हो रहा है। अब ये लोग ना आरती कर रहे हैं। ओके ओके, देखिए मंदिर कितना अच्छा लग रहा है जी, चहल पहल अब भी है, लोग यहाँ पर मोटापा कम करने भी आते हैं। ओके ले लीजिए दोस्तों, अमित ने कैमरा बंद कर दिया और मैंने इसको बोला कैमरा ऑन कर, अमित बोला पब्लिक प्लेसेस में मैं क्यों कैमरा पकड़ू, हमने भी कैमरा पकड़ा, भी तो कुछ सीखेगी ना कि पब्लिक प्लेसेस में कैसे हैंडल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है दोस्तों, साफ नहीं आ रहा है ना, अब आ रहा हूँ पब्लिक प्लेस ऊपर आगे। अरे भाई, तो दोस्तों अब हम चलते हैं, अमित आ जाओ, तुम साफ आ जाओगे यहाँ, एक सेकंड आगे साफ। हाँ अब ठीक है, बेटर है पहले से, हमें जैसी शक्ल है वैसी ही आएगी। तुमने कैमरा ही ऊपर लो ना, कैमरा देखो क्या बात है, चमचम कर रहे हैं दो चमचमाते लोग। चलिए जी, हम बिना सर्फ एक्सेल और टाइड के चमचम कर रहे हैं, अब हम घर चलते हैं, नहीं तो पब्लिक प्लेस में हमारी दोस्तों, हम आपको सुबह मिलते हैं। मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो अमित पोहा खा रहा है, हमें बस लाइट सा कुछ खाने का मन था, और अब अमित को ठंडा पोहा भी अच्छा लगता है जब से मैंने ये टेस्टी कांदा पोहा बनाना शुरू किया है, तो अमित दिन में भी लेके जाएगा, ये अमित का टिफिन है। ठीक है, तो हम ये बहुत टेस्टी बना है जब से वो रवीना जो है ये कड़ी पत्ता डाल के वो ढकती है ना पानी के छींटे मार के, जो भी तो उससे अलग टेस्ट, तो यमी बनता है ये। और इसी के साथ ये व्लॉग यही समाप्त होता है, बिकॉज वी आर गेटिंग लेट, तो अगर हम लेट हो रहे हैं तो हमें जल्दी से खा के काम करना है और अमित को भी जाना है, तो से बाय भाई, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।